हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो एचए प्रेजेंट्स फनवे स्टॉक्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। सो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर मैसेजिंग मी कि हेमंत, एक दो महीने पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ ने रिजाइन किया था स्टॉक पर, उसके बाद से काफी ज्यादा गिर गया था। अभी हल्का सा रिकवर किया, हमें क्या करना चाहिए? आपने भी इस पर वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा डिस्कस करो। तो उस पर हम डिटेल में एक अच्छे से देखेंगे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में सही में अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। एंड समवेयर इन बिटवीन द वीडियो आई विल शो यू माई एक्शन ऑफ वॉट आई एम डूइंग विद माई करेंट होल्डिंग्स। मैं अपनी करेंट होल्डिंग बेच रहा हूँ या और उसमें ऐड कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं एक स्टॉक पे और डिस्कशन करना चाहूँगा जिसको मैंने 3 हफ्ते पहले डिस्कस किया था। बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, उसका नाम बी से शुरू होता है। अगर आपने गेस कर लिया तो कमेंट में बताइए। और उस स्टॉक ने हमें मात्र 20 दिनों में 10% के अराउंड का रिटर्न दे दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो हम उस पर भी एक हल्की सी डिस्कशन करेंगे कि अब उसमें क्या कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार, सबसे पहले तो हम डिस्कशन करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। जैसा कि आपको दिख ही रहे कि प्राइस कहाँ ऊपर 50-60 के लेवल पे हुआ करता था एंड अभी सिर्फ 22 के अराउंड का प्राइस चल रहा है। और जब अच्छे से गिरा था तब आई के 16-17 रुपये पे आ गया था इसका प्राइस। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो बेसिकली मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। ये आर्टिकल है पोर्टफोलियो क्वालिटी हाई ट्रिएशन एरिया ऑफ कंसर्न्स बाय समित घोष। समित घोष इज द फाउंडर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी इनकी पोर्टफोलियो क्वालिटी में इश्यूज हैं, ये उसको कैसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब चीज़ों पे इन्होंने हल्का सा मेंशन किया है। सो उसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अचानक से ही सरप्राइजली नितिन जो है उनके सीईओ हैं, उनका रेजिग्नेशन लेटर आता है कि वो रिजाइन कर रहे हैं। सो इनसे पूछेगा कि नितिन चुग जो सीईओ के एग्जिट है उन पर आपका क्या राय है। सो ही वाज लाइक कि नितिन्स डिपार्चर या उनका जो भी रेजिग्नेशन है, इट केम आउट एज अ लिटिल बिट सरप्राइज टू अस, वी आर फेसिंग चैलेंजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक दो साल से थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और उसके बाद वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म्ड मिस्टर नंबायर एक्स सी एम डी ऑफ आंध्रा बैंक दैट ही इज गोइंग टू ज्वाइन द बोर्ड एज वेल। तो ये सारी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है। उसमें इन्होंने एक चीज़ ये भी मैंशन किया, अगर ध्यान से देखे तो इट इज़ नॉट दैट वी फोर्स नितिन टू रिजाइन, दिस वॉज इज पर्सनल डिसीजन एंड ऑल। सो यार, ये मतलब कहने का तरीका होता है कि देखो, हमने फोर्स नहीं किया है। ऑल्दो बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, बैंक का लोन बढ़ते जा रहा था, पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही थी, जो भी लोन्स दे रहे थे वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, एनपीएस बढ़ते जा रहे थे, थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे थे बैंक के साथ, तो ऑब्वियसली उसमें ब्लेम किसको डालेंगे? जो भी मैनेजमेंट होती है, जो भी सीईओ होते हैं, उन्हीं को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे उसमें। सो ऐसे केसेस में कई बार वो सीईओ को चेंज कर देते कि देखो तुमसे चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, तुम सही संभाल पा रहे हो, कि चलो जाओ यहाँ से, हम नेक्स्ट ढूंढ लेंगे। लेकिन यार वो रिजाइन करते नहीं है, कराते नहीं है, मतलब बहुत बिग डील सी हो जाती है। तो इसीलिए रेजिग्नेशन वर्ड की जगह कहते हैं कि यार देखो तुम खुद ही रिजाइन कर दो, हम तुम्हें फायर्ड नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें फायर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। और उसके बाद स्टॉक प्राइस कई बार काफ़ी गिर जाता है, कई बार नहीं गिरता है। जी के केस में बिल्कुल भी नहीं गिरा था स्टॉक प्राइस, उल्टा बल्कि रॉकेट बन गया था काफ़ी अच्छा, जैसे ही मैनेजमेंट को हटाने की न्यूज़ आई, बिकॉज वी नो कि जी के मैनेजमेंट के साथ काफ़ी थोड़े बहुत से तो ज़्यादा ही इश्यूज़ थे। लेकिन हाँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ उल्टा हुआ। जैसे ही ये न्यूज़ आई उसके बाद शेयर प्राइस ने नेक्स्ट लेवल की, कहते हैं ना, खाई देखी, बहुत अच्छे से शेयर नीचे गिरा था। सो यार, ये होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ना एक रिटेल इन्वेस्टर में पैनिक क्रिएट किया जाता है कि जस्ट बिकॉज एक सीईओ ने रिजाइन कर दिया तो बैंक खत्म, दुनिया खत्म, ये खत्म, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आने लग जाती है और उसके बाद शेयर को बहुत नीचे ले जाया जाता है ताकि बिग प्लेयर्स उसको एक्यूमुलेट कर पाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बिग प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं और शेयर इसके बाद ऊपर भागेगा? बिकॉज सिमिलर चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। जैसे ICICI बैंक की सीईओ ने रिज़ाइन किया था, मिसेज चंदा कौशन ने, तो इन्होंने रिज़ाइन किया था 4 अक्टूबर 2018 को, डेट यहाँ पे मैंशनड है। तो मतलब इस डेट को आर्टिकल आया तो लगभग इन दोनों ने रिज़ाइन किया था। तो अगर मैं आर्टिकल यहाँ पे जाके मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कहीं इन्होंने रिज़ाइन किया था अक्टूबर सेप्टेम्बर में, उसके बाद शेयर लेट से यहाँ पे चल रहा होगा तो 10-20% अच्छे से नीचे आया और उसके बाद 79.28 लिखा हुआ है, लगभग 80% की रैली दिखाई थी उस स्टॉक ने, बहुत ही प्यारा गेन दिया था। और उसके बाद तो खैर पैंडेमिक आ गया था एंड ऑल, शेयर अब तो नेक्स्ट लेवल की ऊंचाइयों पे चल ही रहा है, दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे तो लिटरली स्क्रीन में नहीं आ रहा था, इतना ऊंचा चला गया शेयर। तो यार मैं इसी लेवल की का गेन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। बिकॉज सी, अगर मैं जून 2021 में देखूँ तो 18 जून को आपको नीचे डेट दिख रही होगी, 18 जून को इसका प्राइस, 18 जून के अराउंड इसका प्राइस चल रहा था 34 के अराउंड। तो एक बार जाके अगर मैं फाइनेंशियल्स में दिखाना चाहूँ आपको, तो अभी 22 रुपये है, 22 रुपये के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मार्केट कैप है 3,860, और अगर ये 33 प्राइस का होता तो इतना इसका मार्केट कैप कितना होता, एक बार मैं क्विकली कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। 3,863 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइड बाय 22 ऑलमोस्ट, तो यार लगभग 6,000, लगभग 5,800 करोड़ का इसका
मार्केट कैप था तो यार, और यहाँ पे देखो कितना लॉस हुआ है, लॉस सिर्फ 200 करोड़ का हुआ है, दो बार 400 करोड़ कंबाइन कर लो, इस प्रॉफिट को भी मत लो, कोई बात नहीं, 500 करोड़ का लॉस हुआ है विद इन अ ईयर, उससे मार्केट कैप 1,500 या 2,000 करोड़ का नीचे नहीं आता यार, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ये बस पैनिक क्रिएट किया कराया जाता है और उसके बाद अच्छी खासी रैली दिखाई जाती है। सो मैं इसको बाय करने वाला हूँ या कर चुका हूँ ये हम इस वीडियो में देखते हैं, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। एस शोन यू कि मुझे इस बैंक पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, तो मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन दोनों के मैं शेयर 30,000 रुपीज़ के अराउंड के बाय करूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं क्विकली क्लिक करूँगा ऐड और मैं मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करता हूँ यूजुअली। सो 50 स्टॉक्स 8,500 स्टॉक्स 80,000, ओ नॉट दैट मच, या अप्रॉक्सीमेटली 32,000 के हो जाएंगे मेरे उज्जीवन के स्टॉक्स। आई हैव प्लेस मार्केट ऑर्डर एंड आई हैव बॉट द स्टॉक्स, और बेसिकली अब मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी बाय करूँगा सिमिलर क्वान्टिटीज़ के। वेल दोनों में मिला के मुझे 50,000 लगाने हैं, सो मैं इसके सिर्फ स्टॉक 20,000 के ही बाय करूँगा, लगभग 22,000 के, या नॉट एन इशू। या सो एज यू कैन सी मैंने उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों के ही टोटल 50,000 के स्टॉक बाय, मैंने दोनों के ही टोटल 50,000 के स्टॉक्स बाय कर लिए हैं। सो जो आप मेरे यहाँ पे ऑर्डर्स में भी देख सकते हो, यहाँ इन दोनों पे ढेर सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं तो उन्हें इग्नोर करना। एंड वन मोर थिंग यार, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, ये सारा मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। सो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ कि अरे आपने ITC और इसकी पुट बाई की, ना ना ना, मैंने पुट को स्क्वेयर ऑफ किया है। देखना चाहो तो मैं अपनी पोजीशंस में दिखा सकता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी में 2,000 बुकिंग, 19,000 प्रॉफिट, यहाँ 3,000, यहाँ 6,000, यहाँ 13,000, यहाँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुई आज काफ़ी। यू नो मार्केट जब जब ऊपर जाए ना, मार्केट जब जब ऑल टाइम हाई बनाए, थोड़ा सा मुँह मीठा करते रहना ज़रूरी होता है। अब वो तुम चाहे मिठाई ला के करो, चाहे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके करो, दैट इज़ योर चॉइस। मुझे प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी पसंद है, काफ़ी मज़ा आता है। सो बेसिकली मैंने इस स्टॉक में, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, 50,000 की मैंने बाइंग की है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एंड उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी। सर्विसेज में मैंने बस इसलिए बाई किया बिकॉज नीचे मैं प्रमोटर्स में जाऊँ तो एनीवे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 83% उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के पास भी है, तो मैंने इसको भी ऐसे ही बाय कर लिया है। और जो इनके हमने को फाउंडर दिखाए समित घोष, उनके पास कितना है एक बार देखते हैं, ऐसे ही 0 दिखा रहा है, तो उनकी होल्डिंग प्रोबेबली उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू होगी, वट एवर। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि यार चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है, चीज़ों को एग्जेजरेट कराया जाता है। मैं इसको ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ, आपको मैं वीडियो दिखाई चुका हूँ, अब एक बार डिस्कशन करते हैं उस स्टॉक पे जो मैंने 3 हफ्ते पहले डिस्कस किया था। यस, एंड दैट स्टॉक इज बंधन बैंक। सो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बंधन बैंक की वीडियो, बंधन बैंक की वीडियो मैंने 1 अक्टूबर को बनाई थी, 1 अक्टूबर 2021 को, तब इसका प्राइस आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे करंट प्राइस लिखा हुआ है विच वॉज 283 रुपीज़ का तब प्राइस था। और उसके बाद अभी अगर आप देखना चाहो तो बंधन बैंक के फाइनेंशियल, बंधन बैंक का प्राइस चल रहा है, अभी मार्केट लाइव है, प्राइस चल रहा है 318 रुपये का। वैसे तो 340-345 तक भी गया था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने तब बेच दिया होता तो क्या हो जाता, किसी को नहीं पता था उसके बाद गिरेगा। द पॉइंट इज़ कि तुम्हें अगर तब स्टॉक, मेरे को तो अच्छा लग रहा था, मैंने तो खरीदा था, अभी भी मेरे पास बहुत शेयर पड़े हैं, तुमने भी अगर खरीदा होता तब मेरी वीडियो देख के, तो अभी 318 का प्राइस चल रहा है, कुछ देर पहले मैंने 15 देखा होता, तो तुम्हें मस्त 12.5% का रिटर्न आ रहा होता इन अ मैटर ऑफ 10 डेज, जस्ट 10 डेज में इतना रिटर्न। सर मेरे पास बाकी के स्टॉक भी, मैक्सिमम स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मन्नापुरम भी 202 का हो चुका है, अवंती फीड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, थोड़ी होल्डिंग्स मैंने यहाँ पे सेल भी की थी, एबॉट इंडिया ने भी अच्छा किया था। तो अब देखो बुल मार्केट है, सारे स्टॉक में वीडियो बनाऊंगा अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये एक एक्सेप्शनली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा स्टॉक की भी डिस्कशन करूंगा जिसको मैंने खरीदने से मना किया था, मना एज इन कि थोड़ा सा ध्यान रखो मत ही खरीदना, और वो स्टॉक अब अपने हाई से कितने परसेंट नीचे आ गया उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आप जाके मेरी किलपेस की वीडियो चेकआउट करना, उस पर मैं हल्का सा डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में फिर से करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड यार ऐसे और भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो डू आस्क मी दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हियर दोज क्वेश्चंस। एंड ऑन दैट नोट गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।